असलम दिस इज मोहम्मद शैील अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड है एंड नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशेंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है वन डायमेंशन एक्सपेंशन क्या होता है टू डायमेंशन एक्सपेंशन क्या होता है तो अगर हम वीडियोस की बात करें तो वहाँ पर हमने दो टर्म पढ़ा था चेंज इन लेंथ हीट की वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट uh, के लेंथ में या ब्रिथ में या हाइट में इजाफा हो तो उसे हम वन डाइमेंशन कहते हैं और उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था L इज़ इक्वल्स टू एल नॉट एल्फा डेल्टा T वे अल्फा हमारे पास क्या था अल्फा था हमारे पास कोफ़िशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एक और एक फार्मूला हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए ड्राइव किया था डेट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी नॉट एल वी नॉट बीटा डेल्टा टी तो ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का था और ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला था जिसमें ये जो बीटा है ना बीटा हमारे पास क्या कहलाता है बीटा कहलाता है हमारे पास कोफिशेंट ऑफ ट्रिक एक्सपेंशन तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अल्फा और बीटा के दरम्या रिलेशन क्या है अब अल्फा और बीटा के दरमियान रिलेशन क्या है वो जरा हम समझ लेते हैं अल्फा और बीटा के दरम्यान रिलेशन ये है कि बीटा इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा यानी अगर हम इसको देखें ना तो ये हमें समझ इस तरह से आएगा कि कोफिशंट ऑफ Volumetric expansion is three times eight. The coefficient of linear expansion. Okay. So Toga is for focus, Karenge. तो लिखा हुआ है कि कोफिशंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो लीनियर एक्सपेंशन के थ्री टाइम्स है थ्री टाइम्स का क्या मतलब हुआ थ्री टाइम्स का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू होगी उसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बन जाएगा या इसको हम और अगर लिखें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ये थ्री मल्टीप्लाई में तरह के क्या हो जाएगा बीटा में तो बीटा को अगर मैं टाइम्स कम कर दूं तो किसके बराबर हो गया अल्फा के ये इसको ऐसे भी इस तरह से निकले कि बीटा जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो थ्री टाइम्स हम कम करेंगे तो क्या बन जाएगा लीनियर एक्सपेंशन क्या इस तरह से कर है तो अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको जरा ड्राइव भी कर लेते हैं अब इसकी डेरिवेशन में अगर हम इसको देखना चाहें ड्राइव करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम एक क्यूबिक वेसल कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूबिक वेसल है अब इस क्यूबिक वैसन की इसकी लेंथ है ये इस क्यूबिक व्यसन की क्या है हाइट है और ये इस क्यूबिक वैसन की क्या है ब्रिथ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इनटू और ये इसकी क्या है ब्रिथ अब अगर मैं इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करूं, यानी लेंथ को ब्रिथ के साथ और ब्रिथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये मेरे पास वॉल्यूम यानी इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम एल नॉट क्या है इनिशियल लेंथ मे नॉट क्या है इनिशियल ब्रिथ और एच नॉट क्या है ट इज इनिशियल हाइट अब जैसे ही हम मान लेते हैं इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास T1 है जैसे ही हम इसकी टेम्परेचर को T1 से T2 पर लेकर जाएंगे तो हमें ये ऑब्जर्व होता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी लेंथ में भी इजाफा हो गया हमें ये ऑब्जर्व होता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी लेंथ में भी इजाफा हो गया इसकी ब्रिथ में भी इजाफा हो गया और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई दैट इज़ टेम्परेचर T2 कौन से टेम्परेचर पर T2 टू टेम्परेचर पर और T2 टू इज ग्रेटर देन टी वन हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं हीट बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है अब लेंथ जो है वो L नॉट नहीं रही L हो गई ब्रिथ जो है वो B नॉट नहीं रही B हो गई और हाइट H नॉट नहीं H हो गया अब जरा हम इसको देख लेते हैं इस वक्त वॉल्यूम क्या होगा L मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई दट इज V. V क्या है हमारे पास V है फाइनल वॉल्यूम। कि अब कितना वॉल्यूम हो गया L क्या है हमारे पास फाइनल लेंथ b क्या है हमारे पास फाइनल ब्रिथ और h क्या है हमारे पास दैट इज फाइनल हाइट विथ

अगर हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन कहताबाद से अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन क्या था दैट इज़ एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी हमने अपने लास्ट वीडियोज के अंदर ये डायरीवेशन ड्राइव कर ली है ये किसके लिए लिखा हमने लेंथ के लिए मगर सिर्फ लेंथ तो इंक्रीज नहीं हो रही ब्रिथ भी इंक्रीज़ हो रही है तो अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन लिखूं ब्रिथ के लिए तो फार्मूला क्या बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू बी नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी इक्वेशन वन इक्वेशन नंबर टू सिर्फ लेंथ और ब्रेथ तो इंक्रीज नहीं हो रही हाइट भी इंक्रीज हो रही तो अगर मैं हाइट के लिए इसी फॉर्मूले को लिखूं तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू एच नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री अब एक काम करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं मल्टीप्लाई All three equations. जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट से मल्टीप्लाई राइट right वाले राइट right से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बना एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच और राइट साइड पर क्या बचा एल नॉट इन टू वन प्लस एल्फा डेल टर्टी मल्टीप्लाई हो गया बी नॉट इन टू वन प्लस एल्फा डेल टर्टी इन मल्टीप्लाई हो गया एच नॉट इन टू वन प्लस ये ल, राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो है अब अगर आप इसको देखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट तो ये वी के बराबर है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर की जगह वी लिख लिया हमने अच्छा यहां पे देखिए सारे फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एल नॉट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय एच नॉट अगर आप इनको देखेंगे ना तो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर वन मैथ्स क्या कहता है जब भी बेस सेम हो पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये बन गया वन प्लस अल्फा डेल्टा टी के ऊपर पावर थ्री बन गया अच्छा अब यहां पर अगर देखें तो एल नॉट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय एच नॉट एल नॉट मल्टीप्लाई बाय बी नॉट मल्टीप्लाई बाय एच नॉट किसके बराबर है वी नॉट के बराबर है तो वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी के ऊपर क्या आ गया यहाँ पर क्यू आ गया अब करना यह है कि यहाँ पर अगर आप इसको फोकस करेंगे तो यह है वन फिर दरम्यान में प्लस फिर अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो, हो रहा है कैसा फॉर्मूला अगर मैं इस वन को ए कंसिडर कर दूँ और इस अल्फा डेल्टा टी को बी कंसिडर कर लूँ तो फॉर्मूला क्या बना a प्लस बी के ऊपर पावर थ्री आ गया a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या ओपन होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वा प्लस बी क्यूब तो इस पूरे टर्म को मैं इस फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से क्या कर दूंगा लिखना शुरू कर दूंगा अब इस पूरे टर्म को हम किस तरह से इस फॉर्मूले में लिखेंगे जहां कहीं पे भी ए लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे वन और इस फॉर्मूले में जहां कहीं पे भी बी लिखा हुआ है बी की जगह क्या वो करेंगे अल्फा डेल्टा डी क्योंकि ए किसके बराबर है वन तो के और बी किसके बराबर है अल्फा डेल्टा टी के बराबर तो अगर हमें इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वी इज इक्वल्स टू वी नॉट अब फॉर्मूले में फॉर्मूला देखे फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया ए की जगह क्या लिखना है वन तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे मैं क्या पुट कर दिया वन और फॉर्मूले में जहाँ जहाँ बी था वहाँ पर क्या पुट करेंगे एल्फा डेल्टा टी एल्फा डेल्टा टी स्क्वायर और बी की जगह क्या प्रूव करेंगे अल्फा डेल्टा टी ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलूँ तो वी इज इक्वल टू वी नॉट वन के ऊपर पावर कुछ भी ले लें तो वन हो जाता है अच्छा यहाँ पे क्या है थ्री का थ्री वन जार थ्री और फिर ब्रैकेट में क्या है अल्फा डेल्टा टी प्लस थ्री वन जार थ्री ब्रैकेट में क्या है अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर फिर प्लस ब्रैकेट में क्या है अल्फा डेल्टा टी के ऊपर Q. तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी करता अब छोटी सी एक्म्पन क्या करेंगे कि अल्फा जो है ना दफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसकी वैल्यू जो है ना टू स्मॉल और छोटी होती है सो वी नेग्लेक्टेड हायर पावर क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है और जब छोटी वैल्यू के जब छोटे वैल्यू पे जब स्क्वायर या क्यूब लिया जाएगा तो वैल्यू और छोटी हो जाती है मैं आपको समझा दो देखें अगर मैं 0.1 का स्क्वायर लूं तो ये हो जाएगा 0.01 और छोटा हो गया कैसे का मतलब 10, 0.1 का मतलब क्या होता है वन डिवाइडेड बाई टेन और जीरो का मतलब क्या होता है वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड वैल्यू छोटी होती चली जा रही तो अल्फ़ा की वैल्यू वैसे ही बहुत छोटी है तो अगर मैं इसका हायर पावर लूँ यानी अल्फा का स्क्वायर लूँ अल्फा का क्यूब लूँ लू, तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी तकरीबन तकरीबन जीरो के बराबर हो जाएगी तो हमने उसको क्या कर दिया नेगलेक्ट नेगलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर वो भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा क्यूब ये भी क्या हो जाएगा जीरो तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए हमारे लिए जीरो हो गए तो v इज इक्वल्स टू v नॉट ब्रैकेट में क्या बचा वन फिर सी और उसके साथ क्या लगा हुआ अल्फा डेल्टा टी अगर आप उसको फोकस करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई बाई जीरो 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 प्लस जीरो तमाम वैल्यूज क्या हो गई जीरो अब यहां पे हमारे पास क्या बना वी इज इक्वल अल्फा डेल्टा थ्री अल्फा डेल्टा टी हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता हुआ नजर आ रहा है थ्री अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अब हम किसकी बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वी किसके बराबर होता है वी नॉट वन प्लस मीटर डेल्टा टी तो अब देखें इस इक्वेशन में इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फोर बना लें तो इस इक्वेशन नंबर फोर को जरा फोकस करें इक्वेशन नंबर फोर क्या कह रहा है वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस थ्री एल्फा डेल्टा टी v की जगह क्या लिख सकते हैं v नॉट तो इस वी की जगह क्या लिख, लिख लिया v नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा t फिर यहाँ आ गया v नॉट वन प्लस थ्री एल्फा डेल्टा टी अब देखिए मल्टीप्लाई तो v नॉट से v नॉट क्या हो गया कैंसिल क्या बचा वन प्लस बीटा डेल्टा t यहाँ क्या बचा वन प्लस थ्री एल्फा डेल्टा t ये प्लस वन आगे जाके माइनस वन होता हो तो वन से वन क्या हो गया कैंसिल क्या बना बीटा डेल्टा टी थ्री अल्फा डेल्टा टी डेल्टा टी मल्टीप्लाई से आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया कैंसिल हो क्या बना बीटा यहां क्या बचा थ्री अल्फा दैट बीटा इक्वल टू थ्री अल्फा यही हम अपने वीडियो के स्टार्ट में समझ रहे थे कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशेंट होता है वो लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशेंट के थ्री टाइम्स ज्यादा होता है मतलब अगर अल्फा की वैल्यू वन है तो वन को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँ तो वन थ्री जी थ्री, बीटा की वैल्यू थ्री होगी अगर अल्फा की वैल्यू टू है तो टू को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू थ्री जिक्स जा जा बीटा की वैल्यू सिक्स हो जाएगी तो जो प्रोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन के थ्री टाइम्स ज़्यादा है तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी हमारे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे शुक्रिया